माँ बाप बनना कितनी जिम्मेदारी का काम है, ये बात सिर्फ माँ बाप बनने के बाद ही समझ आती है। अपने बच्चे की अच्छी परवरिश, उन्हें भविष्य में सफल जिंदगी के लिए तैयार करना और अच्छे संस्कार देना, ये सारी जिम्मेदारियां माँ बाप दोनों के कंधों पर होती है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको अकेले ही ये सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ जाती है। आज के मॉडर्न जमाने में आपको कई सिंगल पेरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये शब्द जितना कूल लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी होती है कई जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप सिंगल मदर हो, क्योंकि एक माँ के लिए घर और बाहर दोनों संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक माँ को बाहर ऑफिस और बिजनेस का काम भी बखूबी संभालना पड़ता है और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी होती है। ऐसे में एक माँ को पिता की भी भूमिका निभानी पड़ती है। ऐसे में एक सिंगल मदर को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे वो अपने बच्चे के और करीब आ पाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप बिजनेस के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत बेहतर ढंग से कर सकती हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का रखें ख्याल, टेक केयर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, एक सिंगल मदर के लिए सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट की होती है। घर के साथ साथ ऑफिस में समय से पहुंचना, समय पर सभी काम करना, यह काफी जोखिम भरा हो जाता है। आप चाहे कितना कमा लें, कितने भी सक्सेसफुल बन जाएं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तो चीजें आपके लिए ही मुश्किल होंगी। ऐसे में जरूरी है कि सही वक्त पर काम को निपटाएं ताकि बच्चों और बिजनेस दोनों को समय दे सके। सिंगल मदर्स को चाहिए कि सारे काम खुद से करने के बजाय किसी की मदद लें, अपनी टीम को बड़ा करें, हर काम सही समय पर निपटाने की कोशिश करें, और ये बात दिमाग में रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके ऑफिस में आपका दिन कैसे भी बीता हो, पूरे दिन में थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें आप और आपके बच्चे साथ में हो। इस समय में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ठीक इसी तरह से ऑफिस के काम के बीच किसी और को ना आने दें। आपको घर और ऑफिस दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना चाहिए। नंबर दो, सही बिजनेस का करें चयन, सेलेक्ट द राइट बिजनेस। देखिए, सिंगल मदर्स के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी नौकरी और बिजनेस का चयन बच्चे के अनुसार करें, क्योंकि आपको बच्चे और नौकरी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना है। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप ऐसी नौकरी का चयन करें जिससे आपको घर और ऑफिस दोनों को संभालने में सहूलियत हो। कोशिश करें कि आपके ऑफिस में डे केयर या डे बोर्डिंग की सुविधा हो, ताकि आप ऑफिस का काम करते हुए बीच बीच में बच्चे को भी देख सकें। बच्चे की परवरिश ऐसी ड्यूटी है जो लगातार चलती रहती है, इसलिए आपको बच्चे के हिसाब से ही अपने बाकी के सारे काम को मैनेज करना होगा। नंबर तीन, किट स्पेशल बैग हमेशा तैयार रखें, ऑलवेज हैव अ किट्स स्पेशल रेडी बैग। कई बार पता है क्या होता है, जब बच्चा बोर हो जाता है और उस समय सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं जिसमें आप भी बच्चे को समय नहीं दे पाते, ऐसे समय के लिए आप एक स्पेशल बैग रखें जिसमें कुछ स्नैक्स, कलरिंग बुक्स, गेम्स, ये सब मौजूद है। आपको जब भी अपने बिजनेस और ऑफिस के काम से समय मिले तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें बाहर ले जाएं। इसलिए उनके लिए एक बैग तैयार रखें ताकि आपको चीजें ढूंढने और इकट्ठा करने में ज्यादा समय ना लगे। इससे आपका समय भी बचेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। इसी तरह से आप अपने ऑफिस के कामों के लिए एक बैग तैयार रख सकती हैं
जिससे आपको ऑफिस से जुड़ी सभी चीजें एक ही जगह मिल जाएं। नंबर 4, बच्चों को कराएं सुरक्षा का एहसास, मेक चिल्ड्रन फील सेफ। देखिए, सिंगल मदर के रूप में बड़ी चुनौती, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के होता है ना। और सिंगल मदर के मन में अक्सर ये डर हमेशा बना रहता है कि वो बिजनेस के काम से बाहर जा रही है, आपकी गैर मौजूदगी में बच्चों का क्या होगा, बच्चे अजनबियों का सामना कैसे कर पाएंगे। ऐसे में बच्चे की सुरक्षा के लिए उनके पास किसी छोटी सी डायरी या आइडेंटिटी कार्ड पर नाम, पता और फोन नंबर हमेशा लिख कर रखें। बच्चे को हमेशा अजनबियों से सजग रहना और दूरी बनाकर रखना सिखाएं। उन्हें बताएं कि अगर अजनबी उन्हें खाने पीने की कोई चीज देकर या घुमाने की बात कहकर बात करने की कोशिश करे तो उस जगह से तुरंत भाग जाएं या आवाज लगाएं। ऐसा करने से आप काम के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता करने से बच जाएंगे। नंबर 5, बी पॉजिटिव। देखिए, सिंगल मदर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। एक सिंगल मदर को सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभालनी होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि वो सकारात्मक रहे और नकारात्मकता को आसपास भी ना भटकने दे। ये बात आपके लिए तो बेहतर होगी ही, साथ में ये आपके बच्चे पर भी एक अच्छा प्रभाव डालेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब आपको सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभालनी है, तो ऐसे में आप जितना हो सके उतनी चीजों के प्रति सकारात्मक रवैया रखें। सबसे जरूरी बात, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी अपने बच्चों और काम के बीच सही तालमेल बना पाएंगे। बच्चे की परवरिश के लिए दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी तो होता है, बट ऐसा नहीं है किसी एक के ना होने के कारण बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। अगर आप सिंगल मदर हैं तो भी ये बताए गए कुछ टिप्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रख आप अपने काम के बीच बच्चों के लिए पर्याप्त समय निकाल सकती हैं, उनकी बेहतर ढंग से परवरिश कर सकती हैं, और इसके अलावा अच्छी पेरेंटिंग स्किल सीखने के लिए आप कुछ मोटिवेशनल सेमिनार्स जो हैं वो अटेंड करिए। यहां आपको बहुत सारी पेरेंटिंग स्किल्स सीखनी चाहिए जो फ्यूचर में आपको और आपके बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगी।